ये अपना श्री शिव मंदिर शमशान भूमि पुराना राजपुरा जी के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे पहले श्री हमारा शिव मंदिर प्राचीन, अच्छा जी सबसे प्राचीन मंदिर ये जी है। ठीक है जी आपके भोले बाबा यहाँ पर साक्षात प्रकट हुए थे, इनकी अच्छा जी कोई स्थापना नहीं हुई, इनके परिवार की स्थापना हुई बाद में, मैं थोड़ा शिवालय विस्तार निकले बताऊँ नीचे से जो शिवलिंग था ना शिवलिंग जी है। जी जी यहाँ एक बहुत प्राचीन सरोवर जो आगे पड़ी हुई है जगह, जी सारा शहर उसमें स्नान करते थे, संस्कार करके आते थे। अच्छा जी बड़े अच्छे कोर बने, ये पटियाला वाले राजा ने बनवाया था। राजा भूपिंदर सिंह हाँ जी ठीक है ठीक जी ठीक है जी, है जी उनकी ये देन थी। इसके बाद फिर हमारे शिव मंदिर ने हमारा बाबा विश्वकर्मा जी के लिए जी ये जगह दी। दी ठीक है जी जगह में ये था कि ये शिव मंदिर के अधीन रहेगा ठीक है जी और ये अपना प्रोग्राम बाबा का खूब बनाए, ठीक है लेना जी देना पुजारी एक होगा, ठीक है सब जी कुछ था, लेकिन उसी हिसाब से चलना है। ठीक है जी ठीक है जी, ठीक है जी दोनों मंदिरों की संस्था एक है, शिव मंदिर की जी अधीन है, जी और मैं यहाँ पर सेवा कम से कम मेरी 35 साल, 35 साल जी 35 साल वाह से मैं यहाँ पर था। जी और जब मैं यहाँ आया था केवल एक भोले बाबा का मंदिर, एक शिव मंदिर और बजरंगबली का बहुत ही छोटा मंदिर था। ठीक है ये हॉल वगैरह कुछ नहीं था, सारा खाली पड़ा हुआ था, ऐसे में सारे लोग दिन में भी कोई आना जाना नहीं था। जी बाबा ने फिर सेवा ली, शहर का सहयोग मिला, जी दानी लोगों का सज्जन, उनसे सभी से मैं जुड़ा, जी जुड़ करके फिर यहाँ पर विकास, बड़े बड़े अच्छे लोग, महाजन लोग, ठीक है उन्हें जी के सहयोग से जी आज ठीक है भी जी उन्हीं के सहयोग से सारे कार्य हो रहे। बहुत अच्छी बात है ठीक है जी ठीक साहब, है जी मैंने अपना जीवन जो भी भोले बाबा ने, गुरु महाराज, सतगुरु महाराज जी ने, जी आप लोगों के प्यार के बस्ती के बीच में जी मैंने अपना जीवन यहाँ पर बाबा के चरणों में व्यतीत कर रहा हूँ। ठीक पंडित जी ये यहाँ पे मंदिर कोई बहुत ही प्राचीन है, जी राधा कृष्ण श्रीमद और आपका राम जी और हनुमान जी का ये दोबारा न्यू निर्माण हुआ। ठीक पंडित जी यहाँ पे कोई सालाना प्रोग्राम भी होता है हाँ जी, जी इसके बाद यहाँ पर जी प्रत्येक सोमवार को भंडारा होता है अच्छा 12 मास, अच्छा जी और इसके बाद प्रोग्राम आपका आज भी बहुत तगड़ा प्रोग्राम है, जी जो मूर्ति स्थापना दिवस सावन की 14 के दिन अच्छा में जी मनाया जाता है। वाह ये किन की मूर्ति आज स्थापना हुई यहाँ थी पर राम जी वाह के दरबार की, जी राधा कृष्ण के दरबार की, जी भगवान विष्णु जी के दरबार की, भोले ठीक है जी बाबा के परिवार की, जी एवं संत आपके बजरंगबली जी की, संतोषी माता के मंदिर में कोई भी जैसा था वैसा ही हमारे बुजुर्गों ने बनाया वही। वही है अच्छा हाँ, और उसमें कोई प्रभाव, ये शिव मंदिर बहुत ही छोटा था, इसको तोड़ा गया, ठीक है इसको फिर 12 मुखी 12 आंकड़ों में बांटा गया, इसको चौड़ा किया गया। अच्छा जी इसका काम कंटिन्यूस 7 साल चला, अच्छा जी ये दोबारा से बना है भोले ठीक है बाबा जी का मंदिर। ठीक है जी यहाँ के सेवादारों ने बहुत सहयोग दिया, ठीक है जी यहाँ पर सभा हमारे प्रेसिडेंट हैं, पहले थे गुरुदेव सिंह, गुरुदेव सिंह ठीक है सरदार गुरुदेव सिंह, जी बहुत ही ईमानदार आज भी हैं, ठीक है फिर जी वो लोग सियाने हो गए, रिटायरमेंट ले लिया, फिर इसके बाद वहाँ प्रेसिडेंट बनाए गए पवन कुमार गर्ग, अच्छा जी फिर हमारे कुलदीप सिंह रणदेव जी आशा जी काका जी, ये सारे ब्राह्मण रणदेव परिवार का, जी अर्थात इसके बाद नमी कमेटी शिवडेरी वाले और नमे यंग ब्लड लड़के, इस समय प्रेसिडेंट है पवन कुमार गर्ग ठीक है पुत्र जी हंसराज जी। ठीक है जी और इसके बाद में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता, जी पूरे शहर से टॉप पूरा शहर आता है। जी इसके बाद गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके बाद कार्तिक मास में गुरु पूर्णिमा, जो महाराज गुरुजी ने, नानक जी ने जन्म लिया, उस पूर्णमासी के दिन भी बहुत तगड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होता है, जी। नानक जी के जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा ठीक है ठीक जी है जी, वहाँ भंडारा होता है, कीर्तन होता है, नगर नगर कीर्तन होता है, और इसके बाद फिर आपके आते शिव रात्रि, शिवरात्रि शिवरात्रि को बहुत ही अच्छा मेला लगता है। ठीक है जी और इसके बाद शिवरात्रि के बाद में फिर जैसे जैसे आपका कृष्ण जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी कृष्णाष्टमी के कार्तिक कार्तिक के बाद में आपका
शिवरात्रि। शिवरात्रि के बाद आते हैं नवरात्रे, नवरात्रे रामनवमी जो मंदिर, वो रामनवमी भी बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाई जाती है। अखंड रामायण का पाठ होता है, ठीक है, भंडारा होता है, यज्ञ होती है, जिस तरह से हमारी हिंदू रीत रिवाज के अनुसार, और सभी धर्मों को साथ लेकर के यहाँ पर कोई भी हमारे सिख हैं, हमारे हिंदू हैं, हमारे जो भी हैं, कोई यहाँ किसी जातवादी का भेदभाव नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत सभी मत्था सभी बड़े खुल करके खोलते हैं और आते हैं। ये नहीं है कि ये फलानी जाति का, ये आज भी ये सत्य बोल रहा हूँ, भोले बाबा का पुजारी हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता। हमारे विश्वकर्मा सभा के जब प्रोग्राम विश्वकर्मा डे करते हैं, एक मूर्ति स्थापना दिवस 5 मई को बनाते हैं, सभी नगरवासी यहाँ पर आते हैं, बड़े धूमधाम से नगर कीर्तन होता है, शिव मंदिर भी पूरा सहयोग करता है। वाह, और उन्हीं के सहयोग से दोनों कमेटी मिलकर के हमारे प्रेसिडेंट साहब ये हैं पवन कुमार जी, ये जा रहे हैं, किसी के साथ में कोई भी ऊंच नीच, गरीबों को यहाँ पर रात्रि को खाना मिलता है, अच्छा जी, रहने को व्यवस्था है जी, जो भी आते हैं साधु संत देखो बैठे हैं जी, जितने भी कोई आता कहीं कोई ठिकाना ही नहीं शहर के अंदर, से केवल शिव मंदिर में मिलता है ठिकाना। वेरी गुड, क्या बात है। यहाँ और मंदिर हैं प्राचीन, ठाकुर द्वारा है, देवी मंदिर है, और भी आपका महावीर दल है, और एक हमारे यहाँ प्रसिद्ध रह साधु संत यात्रियों के लिए हमारे महाराज जी के चरण कमलों में श्री दूधाधारी, दूधाधारी हाँ, दूधाधारी गुरुद्वारे में वहाँ लंगर मिलता है, रात्रि को विश्राम मिलता है, वो भी बहुत गुरु की कृपा से, बहुत दीन दुखियों के लिए वो संस्था बहुत सहयोग करती है। ये सत्य बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा, पंडित जी आप पता कर लीजिए राजपुराग में जा करके। अच्छा अब सुनो जी, इसके बाद ये एक प्राइवेट काम है, उससे हमारी संस्था से कोई संबंध नहीं। जी 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 ठीक है, ये तो ग्रुप बना करके माता के चरणों में जाना, लंगर करना, उससे वो उनका पर्सनल है, ठीक है, इसमें हमारी संस्था का कोई नहीं। हमारे यहाँ यात्री कांवड़िया आते हैं जी, सारे जल देखो कांवड़ खड़ी हुई है, देखो लगाइए फोटो, देखो कांवड़िया आज सुबह 4 बजे से जल अभिषेक, जितने भी कांवड़िया यहाँ आते हैं सबको खाना और जल भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, ठीक है जी, और उनके जल चढ़ा करके गए हैं, उनके देखो पोस्ट रखे हुए हैं, उनके असर खाली कर करके टंगे हुए हैं, ये सब जल प्रभाव तो होगा बाद में, देखो बाउंड्री पर मंदिर की में टंगी हुई हैं कांवरें, ये यहाँ पर संप्रदाय के साथ में, सहयोग के साथ में, योग दानियों के साथ में, शहर के दानियों के साथ में ये कार्य चल रहा है। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा। और यहाँ पर मासिक महीने का मासिक दान पत्र हर महीने करीबन 500 बंदे दान देते हैं, कोई 100 की, कोई 500 की, कोई 200 की, जिनके बोर्ड और नाम लिखे हुए हैं, बाउंड्री पर लगे हुए हैं, अच्छा, नाम लिखे हुए, हर महीना कलेक्शन मैं करता हूँ, ठीक है जी, ऐसा में जो बाबा करवा रहा है जी जी जी, इस यही संस्था हमारे शमशान भूमि को चला रही है, ठीक है जी, हमारे प्रेसिडेंट, हमारी कमेटी मैनेजमेंट जो है वही सारा रेख देख, जो गरीब आते हैं अनाथ आते हैं उनकी लकड़ियाँ फ्री। अच्छा, आज भी मंदिर के बीच में 2 लाख का पेमेंट चल रहा है उधार में, अच्छा जी, लेकिन परवाह नहीं करते हमारे प्रेसिडेंट, जो होगा करेगा भोलेनाथ, ठीक है जी, कोई ना कोई दानी खड़ा हो जाता है, सारा काम वो ही चला रहा है, कोई पता नहीं हम कैसे कैसे गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप क्या मैं कैसा इस तरीके से मैंने ये कर दिया। ये तो हो, आपने बताया धार्मिक काम बहुत अच्छी बात, कुछ सामाजिक काम हाँ किए जा रहे हैं। आप सुनिए, आप सुनिए सामाजिक कार्य में, जैसे कैंप हो गया, आप सुनिए जो सत्य बोलूंगा, एक भी झूठ नहीं होगी जी जी। जब कोरोना काल आया जी, महामारी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कष्ट, और हम अपने राजप्राग की उस समय की चर्चा हम करते हैं जी, जितने दिन लॉकडाउन कर्फ्यू चलता रहा, यहाँ पर प्रतिदिन लंगर चलता रहा, प्रतिदिन लंगर गरीबों को घर बाई डोर देके आए, राशन देके आए अपनी शिव मंदिर सभा की तरफ से, ठीक है जी। नंबर दो, जो कैंप, जो आपके कैंप लगे, जो आपके क्या कहते हैं उनको, जो वैक्सीन यहाँ पर हमने कंटिन्यूस कैंप लगवाया, सारा खर्चा हमारे मंदिर ने उठाया, अच्छा जी, किसी का वो नहीं, सारे कुर्सियों का, खाने का, करने का जी, आई समझे, सारा अपने मंदिर ने, आप बिल देख लो, बजट देख लो, उस समय हमारा 34,000 रुपया कैंप लगाने में, अच्छा जी, 34,000 रुपये लगा, किसी का कोई नहीं, मंदिर के दाम से,
एक हुआ काम, दूसरी बात लंगर पानी जो सहयोग किया, यहाँ में सहयोग किया, झूठ नहीं बोलेंगे, लंगर पानी में दानियों ने दिया, कोई आलू दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, जैसे जैसे था अपने आप पहुँचाते रहे। जिसका मौका माना खुद स्वयं MLA साहब, लेट ML साहब आपके हरदयाल सिंह कुबो, ठीक है, उन्होंने रोजाना मायना किया। इसके बाद में हमारे प्रेजेंट में जो आपके MLA साहब हैं जिनका नाम है नीलम मित्तल, अच्छा जी, वो भी उस समय ये MLA नहीं थी, ठीक है, वो भी आकर के यहाँ पर आई और देखा सेवा तो मांग, ठीक है जी, क्या हाँ भाई कुछ है, ठीक है जी, अच्छा जी। फिर हम डॉक्टरों की भी यहाँ पे कैंप लगाते हैं, आंखों का कैंप, अच्छा, आंखों का कैंप है, किसी को ब्लड का कैंप है, कोई जितना हो जाता है जी। ये सामाजिक कार्य हमारी संस्था, हमारे प्रेसिडेंट इतना करते हैं, ठीक है, कुछ मेंबर जहाँ पर मैं सीखी नहीं, मैं सीखी नहीं मारता, मैं गेहूं के फलांग, ये सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है, जी जी बिल्कुल, कोई किसी के नहीं, कर करावन हार परमात्मा है, हम तो एक जरिया हैं जी। लेकिन जिस काम को हम पकड़ते हैं और भोले बाबा सतगुरु का नाम लेकर के तो कार्य फतेह होता है जी 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 जी। रात्रि में आके देखो ये मंजी पड़ी हुई है, सभी को बिस्तर, सर्दियों में खाना पीना, किसी से कोई भी रेंट, कोई कुछ नहीं जी, ठीक, अच्छा, फ्री सेवा होती है, वाह जी वाह, ये बढ़िया गल है, ठीक है जी। ये है सा आपने इस शिव मंदिर की सभा की नियम और पूछिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और नित्य कर्म शाम को जब हमारे जब से मंदिर पे हुआ है हमारे यहाँ आरती का भी नियम है, अच्छा, शहर के अंदर कोई भी अर्ली इन द मॉर्निंग में अर्थात बेला मुहूर्त में कोई भी संस्था इतनी धार्मिक नहीं खुलती, 3:30 बजे भगवान के पट खुल जाते हैं, अच्छा, 3:30 बजे, 3:30 नहीं सही 3 बजे, 3 बजे, अच्छा, 3 बजे पट खुल जाते हैं, 3:30-4 पर भक्तों का मत्था टेकने वाले आ जाते हैं, ठीक है, और सुबह की आरती होती है हमारी 5 बजे, 5 बजे, ठीक है, भगवान की अरदास कीर्तन जो भी करते हैं जी, शाम की है 7:30, जैसे जैसे सूरज अस्त होता है जी, जी, जैसे जैसे दिन छोटे होते चले जाएंगे जी, सूर्य अस्त होने पर ही होती है, ठीक है जी, ये है विधान, शाम को आरती में बच्चे परिवार जितने आते हैं देखो श्रृंगार वगैरह सबको, अब सावन का महीना चल रहा है जी, शाम को आरती पर देखे बच्चों के लिए खाने के लिए अपने आप भक्त लाते हैं, कोई फ्रूटी ला रहा है, कोई फल ला रहा है, श्रृंगार करने के लिए कोई का प्रसादा जी, और फिर आरती होती सब वितरण हो जाता है, ठीक है जी। आप मैं अपने स्टेटस पे लगाता हूँ, अपने मोबाइल पर लगाता हूँ, ना माने आप जाके देख लो पंडित मुकेश कुमार शिव मंदिर सब नाम से मेरे पनी हुई है जी, नित्य पर दिन का श्रृंगार, अच्छा, डेली श्रृंगार, अच्छा जी, एक दिन का 12 मास, ठीक है जी, फूलों की सेवा, और फूलों की सेवा के लिए लोग सहयोग करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा बाहर से भी महीने का USA से पैसा भेजता है, 5,000 के लगे, 6,000 के लगे, 7,000 के लगे जी, और कुछ और सहयोग करते हैं, मैं आपने पूछा तब कहा नहीं, मैंने अपने दान की कभी चर्चा नहीं की, नहीं नहीं बिल्कुल जी, पता होना चाहिए, और शमशान के अंदर डांट पड़ी जी बच्चे ने, हमने अपना खुद ही योग काम 1,000 रुपए से किया, ठीक है जी, मेरे बच्चे बाहर ने भेजा जी, डांट डरने के चूल्हे कम थे, 51,000, तो इस तरह से सहयोग है जो भगवान ने बना दिया, नहीं हमारी क्या औकात थी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पंडित जी, आप जीरा बहुत बहुत, हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम दान करते, हम तो भैया लेने वाले हैं, हम वही है, लेकिन दाता ने भोले बाबा ने कर दिया तो होता है, आज ये बैठे इन कमेटी संस्था इनको बस आदेश कर दिया भाई भंडारा कैसे हो रहा है, ये बैठे हैं हमारे चेयरमैन साहब खर्चा, इनको कोई ये पता नहीं 2-3 लाख रुपया लगता है शिवरात्रि पे, ठीक है जी, कोई भी नहीं, ये तो रेडी भक्त दे रहे हैं, जैसे कह दिया आप भंडारा है कम से कम 50,000 का आप मौका माने लो फोटो लो और आप आकर के दानियों का बस के ओके, संस्था से कोई खर्चा नहीं, ठीक है, दानियों का मैंने भाई खीर की सेवा आपको पूरी करनी है ओके, भाई आपको घी का करना ओके, हमारे लाला जी देखो प्रत्येक मास में 200 रुपया, पम्मी साहब ये भी हमारे मंदिर के चेयरमैन है ये भी हर महीना दान देते हैं, बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है, ये भी इनके फादर साहब खुराना साहब, उनके आपने खुराना साहब थे क्या नाम था लाला जी का, धर्मचंद खुराना जी ने इस मंदिर की इतनी सेवा करी, कलेक्शन उन्होंने चालू की, वही महीने की कलेक्शन करते थे, ठीक है, उनके पुत्र आज बैठा हुआ आपके सामने, इसके उनके पोते आज विदेशों में पहुंच गए,
आज भी पहुंचे बाग, मैंने कल कहा भाई प्रोग्राम है, मैंने आपसे 2100 रुपया लेना है, माने पड़ी 2100 लोग, ठीक है जी, लंगर के लिए, सेवा के लिए। हाँ जी, उन्होंने जहाँ पर साइकिल से कलेक्शन करते थे, उनके जाने के बाद में फिर मैंने शुरू की। ठीक है जी। नहीं पंडित जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सोहनी तुसी जानकारी दिती। सो अज असी पहुँचे सीगे जी ओल्ड राजपुरा दे शिव मंदिर, नाल ही है विश्वकर्मा जी का मंदिर। सो आप जी नूं पंडित जी के विचार किदां लगे, इत्थे जिहड़े धार्मिक अते समाजिक कार्य किए जा रहे हैं वह आप जी को किदां लगे, कमेंट करके तुसी अपने विचार जरूर दिओ। वीर मनजीत सिंह जी का धन्यवाद, कल तो साढ़े नाल जुड़े हुए हैं, सानू पंडित जी ने बुलाया, मंदिर में लैके आए, बहुत कुछ जानने सीखने सानू मिलिया।